जैसी त्रिश ने कहा कि वो नहीं जा सकती, वर्षा ने असमंजस में त्रिश को देखा और पूछा, क्यों नहीं जा सकती मैं? वर्षा ने कहा तो त्रिश को कुछ समझ नहीं आया कि वो आगे क्या कहे। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, मेरे खाने के बाद ये प्लेट कौन लेकर जाएगा? तब तक के लिए रुको यहाँ पर। वर्षा त्रिश की ऐसी बचकानी बातें सुनकर हैरान थी। वो बोली, तुम ये खुद भी तो लेकर जा सकते हो, और क्या तुम इतने आलसी हो कि खुद इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? तुम किसी नौकर को भी बुला सकते हो। त्रिश ने उदास होकर कहा, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, और अब तक तो सब नौकर सो चुके होंगे, इसलिए तुम ही रुक जाओ। त्रिश ने पहली बार वर्षा से इतने प्यार से बात की थी, इसलिए वो मान गई और उसके पास ही बैठ गई। त्रिश ने तिरछी नजरों से वर्षा को देखा और खाना खाने लगा। काफी देर बीत चुकी थी, वर्षा को अब कुछ अजीब लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ थी। इतना थोड़ा सा खाना त्रिश ने अभी तक क्यों नहीं खाया? उसने नजरें झुकाकर त्रिश की प्लेट की तरफ देखा, और ये क्या, इसमें तो अभी भी बहुत खाना बचा था। वर्षा ने फिर त्रिश की तरफ देखा। उसने देखा कि त्रिश चम्मच में सिर्फ खाने का एक दाना स्पून में भरता और उसे खा लेता, और ये काम करने में वो कुछ मिनट तो लगा ही लेता। वर्षा ने चौंकते हुए त्रिश से पूछा, ये तुम कैसे खा रहे हो? एक एक दाना कौन खाता है? त्रिश को एहसास हुआ कि वो अब पकड़ा गया है। उसने फिर भी कहा, मेरा पाचन तंत्र काफी कमजोर है, इसलिए मैं ऐसे ही खाता हूँ। त्रिश ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। उसकी बात सुनकर वर्षा ने बस एक अजीब सी स्माइल त्रिश को दी। उसने मन ही मन सोचा, वर्षा बेटा यहाँ से निकल ले, इसका तो शराब पीकर दिमाग खराब हो गया, अगर तू बचना चाहती है तो निकल यहाँ से। वर्षा धीरे धीरे करके वहां से उठने की कोशिश करने लगी। वो जैसे ही खड़ी हुई, त्रिश ने उसकी बाजू पकड़कर उसको अपने ऊपर खींच लिया। वर्षा सीधा त्रिश के ऊपर गिरी और उसके हाथ त्रिश के सीने पर थे। वर्षा ने हड़बड़ाहट में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? वर्षा को अब डर लग रहा था। उसको लगा कि अब त्रिश उसको जान से मार देगा। त्रिश ने थोड़ी सख्ती से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ के जाने की? वर्षा की आंखें शॉक्ड के कारण फटी की फटी रह गईं। उसको ये बस एक सपना लग रहा था। वो तब हकीकत में वापस आई जब त्रिश उसको ही देख रहा था। त्रिश की आंखों में फिर से शराब का नशा चढ़ चुका था। उसे अब वर्षा वैशाली दिखाई दे रही थी। उसने वर्षा को वैशाली समझकर उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, तुम वापस आ गई, अब आगे से कभी मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। वर्षा की आंखों में एकदम से चमक आ गई, लेकिन उसने सोचा कि वो तो कहीं गई नहीं थी, फिर वापस कहां से आई? लेकिन त्रिश की नजदीकियां उसे गुदगुदी कर रही थी। ये सबसे अच्छा पल होता है किसी भी लड़की के लिए कि जिससे वो प्यार करती हो वो भी उससे प्यार करे। लेकिन दूसरे ही पल उसकी चमक गायब हो गई। त्रिश अभी भी नशे में था। बेशक उसका नशा थोड़ा कम हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से उतरा नहीं था। त्रिश ने वर्षा की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसको धीरे धीरे सहलाने लगा। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। त्रिश की नजर में जैसे वर्षा का चेहरा बस गया था। वो वर्षा को वैशाली समझ बैठा और उसके होठों के करीब आकर उसे हल्का सा किस कर दिया और धीरे से कहा, आई लव यू वैशाली। उसने धीरे से ये बात कही थी, जिसके कारण वर्षा को उसकी बात सुनाई भी नहीं दी, और वैसे भी वर्षा त्रिश के किस करने से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। त्रिश दोबारा से उसे किस करने आगे बढ़ा तो वर्षा ने उसकी मस्कुलर चेस्ट पर हाथ रखा और कहा, त्रिश। वो इतना ही बोल पाई थी कि त्रिश ने कहा, आज नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, आई लव यू। ये कहकर उसने वर्षा को गले से लगा लिया। वर्षा का दिल जोर जोर से गुलाटियां मारने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल बाहर निकाल कर रख दिया हो। इसका मतलब था कि त्रिश भी उसे पसंद करता था। बेशक वो नशे में था, लेकिन नशे में इंसान अक्सर सच ही बोलता है। वर्षा ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया। त्रिश ने उसे बाहों में उठाया और बेड पर ले गया। उसने वर्षा को एक पैशनेट किस किया, जिससे वर्षा ने उसे कसकर पकड़ लिया, और फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए।
आज रात और भी दिनों से ज्यादा सुंदर लग रही थी। बहुत सारे तारे और उनके बीच चमकता हुआ चांद था, और उसी चांदनी रात की मधोशी में त्रिश और वर्षा एक दूसरे में खोए हुए। सुबह का समय। सुबह जब वर्षा की आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने बहुत पीटा हो। उसकी आंखें भी भारी हो रही थी। कुछ समय के बाद जब उसने पूरी तरह से आंखें खोली तो अपने आप को त्रिश के कमरे में पाया, और फिर उसके साथ रात में जो भी हुआ वो सब याद आने लगा। उसने त्रिश को देखा जो अभी तक सोया हुआ था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वर्षा का चेहरा रात के ख्यालों से लाल हो गया। उसको अब बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन त्रिश ने नींद में ही उसकी कमर पर हाथ रख लिया। वर्षा ने त्रिश की तरफ देखा। अब त्रिश का चेहरा वर्षा के एकदम करीब था। वर्षा को त्रिश की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वर्षा ने मन ही मन कहा, यार ये कितना हैंडसम है। अब वर्षा का बिल्कुल मन नहीं था उठने का। वो बस त्रिश को घूरे जा रही थी। दूसरी तरफ वैशाली की नींद जब खुली तो उसने अपने बगल में देखा, वहां कोई नहीं था। वो धीरे से बोली, क्या वो रात को नहीं आया था? उसको फ्रेश होना था और उसके पास कोई कपड़े भी नहीं थे। उसने तिरछी आंखों से उस तरफ देखा जहां पर सुनीता ने उसके लिए कपड़े रखे थे। वो कपड़े अक्षत लेकर आया था। सुनीता ने उन्हें अक्षत के कपड़ों के साथ रखा था। वैशाली ने गहरी सांस ली और उसने अलमारी खोलकर कपड़ों को ठीक से देखा। वो कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वो पहनती थी। वैशाली हैरान थी कि आखिर अक्षत को कैसे पता चला कि वो क्या पहनती है। वैशाली की नजर फिर वहीं रखी अंडरगार्मेंट्स पर पड़ती है। उसका चेहरा उसी वक्त लाल हो गया। वो सोचने लगी, क्या ये भी उसने मेरे लिए लाए हैं? पर उसको मेरा साइज कैसे पता? वैशाली की धड़कन एकदम से रुक गई। वो जल्दी से अलमारी बंद करती है और बाथरूम में घुस गई। उसकी सांसें अब भी तेजी से चल रही थीं। कुछ देर बाद ही वैशाली फ्रेश होकर जब नीचे आई तो उसने अक्षत के बारे में सुनीता से पूछा, अक्षत कहाँ है? सुनीता ने उसको जवाब देते हुए कहा, सर अपनी स्टडी रूम में है। ओह, वैशाली ने जवाब दिया। वैशाली धीरे धीरे दबे पांव स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। स्टडी रूम का दरवाजा खुला था। अक्षत फ्रेश होकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसकी नजरें बाज की नजरों की तरह लैपटॉप पर टिकी हुई थी। वैशाली ने दबे पांव ही कमरे में कदम रखे ताकि अक्षत को पता ना लगे। वो देखना चाहती थी कि आखिर ये क्या काम कर रहा है। कहीं अक्षत उस प्रोजेक्ट पर तो नहीं काम कर रहा जिस पर वो साथ में काम करने वाले थे। वैशाली जब अक्षत की चेयर के नजदीक पहुंच गई तो वो लैपटॉप को घूरने लगी। अक्षत की पीठ वैशाली की तरफ थी। लैपटॉप को देखकर वैशाली की आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि अक्षत सच में उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वैशाली अपने ही ध्यान में थी, तभी अक्षत ने उसको खींच कर खुद के ऊपर बैठा लिया। वो चीखते हुए बोली, अरे नहीं, फिर से पकड़ी गई, छोड़ो मुझे, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ? तुम्हारे अलावा किसी और की हिम्मत भी नहीं है जो बिना पूछे यहाँ अंदर आ सके, अक्षत बोला। अक्षत ने वैशाली को ऊपर से नीचे तक देखा। वैशाली ने एक टॉप पहना हुआ था जिसमें एक कार्टून बना हुआ था, और उसके साथ उसने ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। वो किसी बच्चे के जैसे अक्षत की गोद में बैठी हुई थी, और उसने ऐसा फेस बनाया हुआ था जैसे उसकी कैंडी किसी ने छीन ली हो। उसके बाल भीगे हुए थे और उनमें से पानी अभी भी गिर रहा था। उसने अपने फेस पर कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ था और वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। वो किसी छोटे बच्चे के जैसे लग रही थी। अक्षत की नजर वैशाली के सुर्ख होंठों पर पड़ी। अक्षत की धड़कनें अचानक से बढ़ गईं। उसने वैशाली की गर्दन पकड़कर अपनी तरफ की और उसको किस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका किस और भी डीप होता गया। वैशाली को सांस लेने में अब प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसकी वजह से अक्षत को ना चाहते हुए भी उसको छोड़ना पड़ा। उसने वैशाली के सर को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से ठीक हो जाऊंगा और तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई करूंगा। उसकी बात सुनकर वैशाली को चक्कर आने लगे थे। उसने अक्षत के सीने पर मारना चाहा, लेकिन उसको याद आ गया कि उसको गोली लगी है। वैशाली ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए और कहा, तुम्हारे साथ करना ही कौन चाहता है, छोड़ो अब मुझे। चुप, कुछ देर ऐसे ही रहो। अक्षत ने उसको और भी कसकर पकड़ लिया और उसके बालों को किस करने लगा।
वैशाली भी अब चुप हो गई थी। ये एहसास पहले जैसा ही था। जब भी अक्षत उसको पहले किस करता और गले लगाता था तो उसको ऐसा ही फील होता था। हालांकि अब बात कुछ और थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसको उसकी खुशबू पसंद थी। कुछ देर यूं ही रहने के बाद अक्षत ने उसको छोड़ दिया, पर वैशाली अपने ही ख्यालों में कहीं गुम थी। उसको एहसास ही नहीं हुआ कि अक्षत ने उसे रिलीज कर दिया है। वो उसी तरह उसके चारों तरफ अपनी बाजू लपेटे बैठी रही। वैशाली का सर अक्षत के सीने पर ही रखा था। अक्षत ने लो टोन में कहा, बेड पर चलें। वैशाली एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और खड़ी हो गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे अभी त्रिश के घर जाना है। जैसी अक्षत ने उसकी बात सुनी, उसका चेहरा एकदम से बदल गया। क्या होगा आगे? आखिर वैशाली क्यों जाना चाहती है त्रिश के घर? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वैशाली की बात सुनकर अक्षत की भौहें तन गईं। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, त्रिश के घर जाना है। इससे पहले कि उसका गुस्सा बढ़ता, वैशाली ने जल्दी से कहा, मुझे बस कुछ अपना जरूरी सामान लाना है। अक्षत बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अक्षत वैशाली को साइड करके अपनी चेयर से उठ गया। वैशाली बोली, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, मैं खुद से चली जाऊंगी। वैशाली ने अक्षत को समझाने की कोशिश की, लेकिन अक्षत ने बस इतना जवाब दिया, अकेले जाने दूं, वो भी उस त्रिश के घर। अक्षत की आंखों में त्रिश के लिए नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वैशाली मजबूर थी। उसको पता था कि अक्षत उसके साथ आएगा ही, चाहे वो कुछ भी कहे। उसने कहा, ठीक है चलो। उधर त्रिश अभी तक सोया हुआ था। वर्षा ने उसका हाथ धीरे से अपने ऊपर से उठाया, लेकिन तभी त्रिश की नींद खुल गई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। वर्षा ने देखा कि त्रिश उठ रहा है, तो उसने एकदम से अपना चेहरा कंबल में छुपा लिया। त्रिश की आंखें जैसी पूरी तरह से खुली तो उसके सर में काफी तेज दर्द होने लगा। उसने अपना सर पकड़ा और उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही पल उसको एहसास हुआ कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। उसने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई तो उसने देखा उसके पास कोई था। त्रिश को अब कुछ कुछ याद आने लगा था। वर्षा ने धीरे से अपने मुंह से कंबल हटाया तो उसकी नजर त्रिश की नजरों से मिल गई। उसकी सांसें मानो थम सी गई हो। त्रिश उसको ही एक टक देखे जा रहा था। वर्षा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, रात को जो भी हुआ वो फ्लो फ्लो में हो गया। ये कहकर वर्षा ने धीरे से अपने सर पर चपत मारी और बुदबुदाई, ये क्या कह रही है तू वर्षा, पागल हो गई है क्या? त्रिश को जैसे झटका लगा। इसका मतलब उसके और वर्षा के बीच रात को वो हो गया जो होना नहीं चाहिए था। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और लो टोन में जवाब दिया, आई एम सॉरी। उसको अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। आखिर कैसे वो अपना गम भुलाने के लिए किसी मासूम लड़की के साथ ऐसा कर सकता है? वर्षा को उसकी बात सुनकर थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा, नहीं नहीं तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये सॉरी मेरी ही गलती है। त्रिश ने बस इतना ही कहा था कि कमरे का दरवाजा एकदम से खुल गया। वैसे तो उन दोनों ने कंबल कवर कर रखा था, लेकिन त्रिश फिर भी एकदम से वर्षा के ऊपर लेट गया ताकि उसकी थोड़ी भी स्किन न दिखाई दे। त्रिश ने वर्षा को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया था और त्रिश भी एक कंबल से लिपटा हुआ था जो उसकी आधी बैक को दिखा रहा था। त्रिश ने दरवाजे की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन पल भर में ही उसका गुस्सा गायब हो गया और उसके मुंह से आवाज आई, त्रिशा तुम। वैशाली ने जब ये देखा कि अंदर क्या हो रहा है तो उसको एकदम से एम्बैरेसिंग फील होने लगा। वो जल्दी से पीछे मुड़ गई। उसके ठीक पीछे अक्षत खड़ा था। अक्षत अपने फोन में बिजी था और शायद जो अभी हुआ वो उसने नहीं देखा। अक्षत ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई थी कि वैशाली ने उसके पास जाकर उसकी आंखें अपने हाथों से बंद कर दी। आंखें मत खोलना, उसने कहा। वो अक्षत को खींचते हुए दूसरी तरफ ले गई। उसने अक्षत को थोड़ी दूर ले जाकर उसके चेहरे से अपना हाथ हटा दिया। अक्षत उसको हैरानी के साथ देख रहा था। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? वो त्रिश एक लड़की के साथ, वैशाली बोली।
ये कहकर वैशाली ने अपनी मुंडी नीचे झुका ली। उसको अब शर्म आ रही थी। वो इतनी पागल कैसे हो सकती है? पर इससे पहले भी तो वो त्रिश के रूम से इसी तरह जाती थी, इसलिए आज भी वो ऐसी चली गई। वैशाली की बात सुनकर अक्षत समझ चुका था कि वहां क्या हुआ होगा। उसने वैशाली की कमर पकड़ी और उसको खुद के करीब खींच लिया। उसने वैशाली को टोंट कसते हुए कहा, तुम ऐसे ही किसी के भी कमरे में ऐसे नहीं जा सकती। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, चाहे वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। वैशाली उसकी बात तुरंत समझ गई। वो गुस्से में उसे देखने लगी और मन ही मन बोली, ये आदमी मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। तभी वैशाली को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने आसपास देखा, सब नौकर उसको और अक्षत को बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। उन्होंने जब ये देखा कि वैशाली उनको देख रही है, तो वो अपना अपना काम करने लगे। वैशाली ने अक्षत को दूर करते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? सब हमें देख रहे हैं। अक्षत ने कहा, अच्छा तुम्हारा एक्स बिना दरवाजा बंद किए सब कर सकता है और मैं तुम्हें पकड़ भी नहीं सकता। वैशाली का मन कर रहा था कि वो अक्षत का सर फोड़ दे। उसने कहा, ये इंसान। वैशाली ने अपने पैर जोर से पटके और उस ओर चल पड़ी जहां उसका रूम था। अक्षत भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। उधर वर्षा ने जब त्रिश के मुंह से प्रिशा सुना तो वो घबरा गई। त्रिश अब तक उठ चुका था और उसने कपड़े भी पहन लिए थे। त्रिश ने वर्षा से कहा, तुम भी तैयार हो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूं। वैशाली आई है? वर्षा ने पूछा। त्रिश ने जवाब दिया। वैशाली अपने रूम में गई और उसने सबसे पहले वर्षा को आवाज लगाई। उसको लगा था कि शायद वर्षा उसके ही रूम में रुकी होगी, लेकिन उसे वर्षा कहीं नहीं मिली, जिससे वो घबरा गई। उसने धीरे से कहा, कहीं त्रिश ने उसे गुस्से में बाहर तो नहीं निकाल दिया? ये ख्याल आते ही वैशाली थोड़ा घबरा गई। अक्षत भी वैशाली के पीछे रूम में आ गया। त्रिश अपनी रूम से बाहर आते हुए खुश नजर आ रहा था। उसे लगा कि वैशाली वापस आ गई है, लेकिन अक्षत उसके साथ क्यों आया था, ये बात त्रिश को समझ नहीं आ रही थी। त्रिश की नजर वैशाली और अक्षत पर गई, जो आपस में कुछ बात कर रहे थे। त्रिश बड़े बड़े कदम लेकर उनके पास गया। प्रिशा तुम आखिर आ ही गई। जैसे अक्षत ने त्रिश की आवाज सुनी, उसने वैशाली को पकड़कर खुद के पीछे कर लिया। अक्षत ने त्रिश से कहा, आई तो है लेकिन जाने के लिए। वैशाली अक्षत के पीछे से निकल कर आई और उसने त्रिश को एक्सप्लेन करते हुए कहा, वो मैं अपना कुछ जरूरी सामान लेने आई थी। वैशाली की बात सुनकर त्रिश मायूस हो गया और कहा, प्रिशा आखिर तुम्हें इसने किस तरह से फोर्स किया है? तुम मुझे बताओ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। त्रिश ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, जिसे सुनकर वैशाली बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वैशाली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह त्रिश को समझाए। त्रिश गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है कि तुम इसके साथ खुश नहीं हो। त्रिश की बात सुनकर वैशाली ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अक्षत बहुत देर से त्रिश की बकवास सुन रहा था, पर जो त्रिश ने अभी कहा कि वैशाली उसके साथ खुश नहीं है, ये बात सुनकर अक्षत का गुस्सा बढ़ने लगा। वैशाली को एहसास हो चुका था कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो अक्षत और त्रिश के बीच लड़ाई हो सकती है। वैशाली ने कुछ सोचते हुए त्रिश से कहा, त्रिश अक्षत ने मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है। मैं अक्षत से प्यार करती हूँ और इसी प्यार के कारण मैं उसकी तरफ खींची चली गई। ये कहकर उसने त्रिश को इशारा किया। वो त्रिश को ये समझाना चाहती थी कि उन दोनों ने तो प्लान बनाया था कि वैशाली अक्षत से शादी करके उससे बदला लेगी। त्रिश उसकी बात देर से ही सही लेकिन समझ गया। वैशाली ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, और वैसे भी तुम्हें तो कोई और मिल ही गई है। वैशाली ने त्रिश को टीज करते हुए कहा। उसको खुशी थी कि त्रिश अब एक लड़की के साथ है। वैशाली तो उसको वो प्यार नहीं दे पाई, लेकिन शायद कोई और दे दे। क्या होगा जब वैशाली को पता लगेगा कि जिस लड़की के साथ त्रिश था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वर्षा है। जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वैशाली फिर त्रिश के रूम की तरफ बढ़ गई। वो देखना चाहती थी कि आखिर त्रिश किस लड़की के साथ था।
रिश नहीं चाहता था कि वैशाली को कुछ भी गलतफहमी हो, इसीलिए उसने तुरंत कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रिश ने इतना ही कहा था कि रूम का दरवाजा खुला और उसमें से वर्षा बाहर आई। वैशाली ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, वर्षा तुम? उसको यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के साथ रिश था वो कोई और नहीं वर्षा थी। वर्षा ने जैसी वैशाली को देखा उसने कहा, यार मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। वैशाली ने वर्षा को बीच में ही रोकते हुए कहा, यार मैं एक दिन के लिए गायब क्या हुई, तुम दोनों ने उसका फायदा ही उठा लिया। रुको, मेरे पीठ पीछे ये कब से चल रहा है? छोड़ो इस बात को, जब से भी चल रहा हो मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। इतना कहते हुए वैशाली ने वर्षा को गले लगा लिया। वर्षा और त्रिश दोनों की आंखें भटी की पटी रह गई। त्रिश ने मन ही मन सोचा, क्या सच में ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी? ये तो ऐसे खुश हो रही है जैसे ये ऐसा कुछ होने का इंतजार कर रही हो। वर्षा को गले लगाने के बाद वैशाली त्रिश को गले लगाने को आगे बढ़ी थी, लेकिन दूसरे ही पल अक्षत ने उसे पीछे खींच लिया। अक्षत ने घूर कर त्रिश को देखा और फिर वैशाली को। वैशाली के हाथ हवा में ही रह गए जो उसने त्रिश को गले लगाने के लिए उठाए थे। अक्षत ने वैशाली के दोनों हाथों को नीचे करके उन्हें अपने हाथ से पकड़ लिया। अक्षत बोला, जिस काम के लिए आई हो वो काम करो और चलो यहाँ से। त्रिश को अब अक्षत के ऊपर गुस्सा आने लगा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वैशाली से कहा, त्रिशा मुझे माफ कर दो। वैशाली को लगा कि त्रिश उस रात के लिए माफी मांग रहा है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। त्रिश के दिल में बहुत दर्द हुआ वैशाली की बात सुनकर। इतना कि जब उसे अक्षत और उसकी शादी के बारे में पता लगा था उस वक्त भी ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ। वो मन ही मन सोच रहा था, इस लड़की ने कभी मेरे दिल की बात नहीं समझी और अभी ऐसे खुश हो रही है जैसे इसकी कोई लॉटरी लग गई हो। क्या ये सच में अभी भी अक्षत से प्यार तो नहीं करती? ये ख्याल आते ही त्रिश का चेहरा सख्त हो गया। वर्षा जो अभी तक उनकी बातें सुन रही थी उसको ये जानकर खुशी हुई कि वैशाली ने उसको गलत नहीं समझा। वर्षा को ये नहीं पता था कि वैशाली और त्रिश रिलेशन में थे। वो बस इतना जानती थी कि जिस टाइम वैशाली कोमा में थी तो त्रिश ने ही उसका ख्याल रखा था और वो अच्छे दोस्त हैं। उसको लगा था कि अगर वैशाली को ये बात पता चलेगी कि वो त्रिश के साथ हम बिस्तर हो गई है तो वो कहीं उसके बारे में गलत ना समझे। वैशाली ने अक्षत से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अब छोड़ो मुझे, मैं अपना सामान लेने जा रही हूँ। अक्षत ने जैसी वैशाली का हाथ छोड़ा वैसे वैशाली ने वर्षा का हाथ पकड़ लिया। फिर वो बोली, चलो अब मेरे साथ, मेरी सामान लेने में हेल्प करो। कुछ ही देर में वो दोनों अक्षत और त्रिश की नजरों से गायब हो गई। अब वहां अक्षत और त्रिश अकेले थे। अक्षत ने त्रिश की तरफ एक सरकास्टिकली लुक दिया और एक अजीब स्माइल देते हुए कहा, तुम जानते हो तुम्हारे और मेरे में क्या अंतर है? अक्षत रुका और त्रिश के फेस पर क्वेश्चन भरा लुक देखकर उसने आगे कहा, चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूं। वैशाली से 2 साल दूर होने के बाद भी मैंने किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा, पर तुम तो आधे दिन में एक लड़की के साथ बिस्तर पर पहुंच गए। क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? क्या सच में तुम्हारे बीच कपल जैसा कुछ था भी? वैशाली को देखकर तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो कभी तुमसे प्यार करती होगी। जिस तरह वो तुम्हें और उस लड़की को एक साथ देखकर खुश थी उससे साफ जाहिर था कि वो। अक्षत ने बस इतना ही कहा था कि त्रिश ने बीच में ही गुस्से से कहा, चुप हो जाओ अक्षत जिंदल, वरना मैं तुम्हें यहां से जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। अक्षत मुस्कुराया फिर कहा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, ये सब बोलने के पीछे मेरा एक ही मकसद था। अक्षत रुका फिर अपने चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे कहा, उससे दूर रहना। अक्षत उस वक्त बहुत ही डरावना नजर आ रहा था। त्रिश को उसकी आंखों में गुस्सा पर वैशाली के लिए अधिकार की भावना साफ नजर आ रही थी। जैसे उसकी आंखें कह रही हों, वैशाली सिर्फ उसकी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी। उधर रूम में वैशाली ने वर्षा से कहा, त्रिश बहुत ही अच्छा लड़का है, वो और लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वर्षा उसको बताना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रही है, जो भी उसके और त्रिश के बीच में हुआ वो बस एक गलती थी, लेकिन वर्षा के मुंह से कुछ नहीं निकला और वो बस मुस्कुरा दी। वैशाली ने कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ जरूरी सामान अपने साथ रख लिया।
वैशाली और वर्षा बाहर आई तो अक्षत जल्दी से वैशाली के पास गया और उसने अपनी हाथ से वैशाली का कुछ सामान उठाया और एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर की तरफ ले जाने लगा। वैशाली को अक्षत का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था और साथ ही साथ उसको गुस्सा भी आ रहा था। उसने अक्षत को रोकते हुए कहा, मुझे ठीक से मिलने तो दो इनसे। अक्षत ने सख्त लहजे में कहा, तुमने बहुत मेल मिलाप कर लिया है, अब चलो। वैशाली धीरे से बोली, खड़ूस। वैशाली चलते चलते पीछे मुड़ी और उसने त्रिश को आवाज देते हुए कहा, ध्यान रखना अपना और वर्षा का भी। त्रिश ने गहरी सांस ली और मनी मन कहा, कहां गया तुम्हारा वो बदला जो तुम अक्षत से लेने वाली थी, तुम्हारी वो नफरत जो तुम उससे करती थी। सच बात तो यह है कि तुमने मेरे प्यार को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि तुम्हारे दिल में पहले से ही अक्षत था। उसके सामने आ जाने से तुम सब कुछ भूल गई, चाहे वो तुम्हारा बदला हो या तुम्हारी नफरत, तुम अक्षत से प्यार करती हो। वर्षा काफी देर से त्रिश को आवाज लगा रही थी लेकिन त्रिश को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो अपने ही ख्यालों में गुम था। वर्षा ने त्रिश के कंधे पर हाथ रखा और उसको हिलाते हुए कहा, त्रिश कहां खो गए हो तुम? त्रिश अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने कहा, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। त्रिश मुड़ा और वहां से जाने लगा। तभी वर्षा ने कहा, त्रिश मैं जा रही हूं। त्रिश ने जब वर्षा के मुंह से निकले इन शब्दों को सुना तो वो एक जगह रुक गया, उसकी सांसें मानो थम गई हो। वो मुड़ा और उसने अपने एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। वो बिना भाव के बोला, नाश्ता करके जाना। त्रिश ने कहा और वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगा। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। मेड ने उन दोनों को नाश्ता दिया और वो वहां से चली गई। त्रिश ने चोर नजरों से वर्षा को देखा। उसे ध्यान आया कि एक लौती लड़की है जो मेरे इतना करीब आई है। उन दोनों ने नाश्ता खत्म किया और वर्षा वहां से जाने लगी। उसके पास ले जाने के लिए ज्यादा सामान नहीं था। उसने त्रिश को देखा जो अपने फोन में कुछ कर रहा था। उसने धीरे से त्रिश से कहा, बाय त्रिश। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम थी। रात जो भी उसे गलतफहमी हुई थी वो सारी त्रिश ने सुबह ही दूर कर दी थी। उसे लगा था कि त्रिश उसे पसंद करता है लेकिन उसने जो भी रात में नशे में कहा वो झूठ था। त्रिश ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और उसने वर्षा से कहा, मेरा एक फ्लैट खाली है, तुम उसमें रहना चाहो तो रह सकती हो। मेरा ड्राइवर तुम्हें वहां छोड़ देगा और तुम्हारा मन हो तो तुम मेरी कंपनी में भी जॉब के लिए आ सकती हो। वर्षा ने हैरानी और परेशानी के साथ कहा, नहीं, मैं तुम्हारा और एहसान नहीं ले सकती। त्रिश बोला, तुम्हारे लिए पुरानी जगह पर रहना सेफ नहीं है, वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ सकता है। और तुम्हें मेरे फ्लैट में रहने से कोई दिक्कत है तो तुम उस टाइम पैसे दे देना जब तुम्हारे पास हो। त्रिश ने अपनी जेब से अपना एक कार्ड निकाला और वर्षा को देते हुए कहा, तुम कभी भी मेरी कंपनी में जॉब के लिए आ सकती हो। ये कहकर त्रिश वहां से चला गया। वर्षा अब अपने हाथ में पकड़े उस कार्ड को देखती रही। वही कार में वैशाली चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुमने मुझे वहां रुकने क्यों नहीं दिया? मैं वहां कुछ और देर रुकना चाहती थी। तुम बहुत क्रूर हो। ये सब कहते हुए वैशाली किसी बच्चे की तरह लग रही थी। अक्षत उसकी बक बक सुने जा रहा था लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। वैशाली ने तभी अक्षत की टांग पर एक छोटा सा कीड़ा चलते हुए देखा। उसने अपना हाथ उठाया और उस कीड़े को अक्षत की टांग से हटाने की कोशिश की। वैशाली के इस तरह अचानक से छूने से अक्षत हैरान हो गया। उसने कार को साइड में करते हुए अचानक से ब्रेक लगा दिए। वो थोड़ा गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो तुम? क्या त्रिश और वर्षा एक दूसरे को भूलकर बढ़ जाएंगे आगे, या उनकी जिंदगी में आएगा कोई और तूफान? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वैशाली को कुछ समझ नहीं आया कि अक्षत की बात का क्या मतलब था। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम इतनी बेसब्र हो मुझे पाने के लिए तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ये कहकर उसने वैशाली के हाथ की तरफ देखा जो उसके टांग के ऊपर था। वैशाली को अब जाकर समझ आया आखिर उसकी बात का मतलब क्या था। वैशाली ने एकदम से अपना हाथ उसकी जांग से हटाया और गुस्से से कहा, तुम बहुत बेशर्म हो, तुम्हारी बेशर्मी की कोई हद नहीं है। हाँ, बस तुम्हारे लिए है ये बेशर्मी,
और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि किसी और को ऐसी बेशर्मी कभी नहीं दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर वैशाली को और भी ज्यादा चिढ़ हो गई। वैशाली ने गहरी नजर अक्षत पर डाली और कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और नहीं है? वैशाली की आंखें साफ जाहिर कर रही थी कि वो इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। अक्षत ने वैशाली की आंखों में सीरियसनेस को भांप लिया था। अक्षत ने वैशाली के थोड़ा करीब जाकर कहा, मेरी लाइफ में तुम पहली और आखिरी लड़की हो। वैशाली ने जैसी अक्षत की आंखों में देखा तो वो एक मिनट के लिए स्तब्ध रह गई। अक्षत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसे ध्यान आया कि उसने अक्षत के बहुत सारी लड़कियों के साथ होने की न्यूज सुनी थी, और तो और 2 साल पहले जो हुआ था वो कैसे भूल सकती थी। ये सोचकर वैशाली की आंखों के एक्सप्रेशन बदल गए। अक्षत ने उसके चेहरे पर होने वाले बदलाव को देख लिया था, इसीलिए उसने पूछा, क्या हुआ? वैशाली ने बाहर की तरफ देखा और आराम से जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो। हर दिन तुम्हारी न्यूज में किसी ना किसी लड़की के साथ होने की खबर आती है। अक्षत की आंखें छोटी हो गईं। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि न्यूज में मेरे बारे में क्या बताया जाता है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। वैशाली ने अक्षत की आंखों में देखा जो इस वक्त काफी कठोर हो चुकी थी। वैशाली को ऐसा लगा जैसे अक्षत सच बोल रहा है। उसने मन ही मन कहा, अगर अक्षत सच बोल रहा है तो वो क्या था जो उसने 2 साल पहले उस वीडियो में देखा? वो लड़की कौन थी जिसके साथ अक्षत इंटिमेट हो रहा था? क्या वो वीडियो झूठी थी? ऑफ कोर्स वैशाली जानती थी कि ऐसे वीडियो में एडिटिंग की जा सकती है। 2 साल पहले वो अक्षत से ये सब पूछना चाहती थी और वो उससे पूछने ही जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी पूछ पाती, त्रिश की कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो 1 साल के लिए कोमा में चली गई थी। त्रिश उसको अपने साथ इंग्लैंड लेकर चला गया। उसने उसकी देखभाल की जिसकी वजह से वो जल्दी रिकवर हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसे सबसे पहले अक्षत का ही ख्याल आया। उसने सबसे पहले उठकर अक्षत को ही ढूंढना शुरू किया था। वो जानना चाहती थी कि अक्षत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसको पता लगा कि 1 साल बीत चुका था। उसके कहने पर त्रिश ने जब अक्षत के बारे में पता किया तो उसे पता लगा कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है, और ये न्यूज इंडिया की नंबर 1 ट्रेंडिंग बनी हुई थी। तो उसे उस वक्त यही लगा कि अक्षत की माँ ने जो भी उससे कहा वो सच था, लेकिन आज उसका दिल ना चाहते हुए भी यही कह रहा था कि वो सब झूठ था। ये सब सोचकर वैशाली की दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गईं। अक्षत ने उसको सोच में डूबा हुआ देखा तो वो निराश हो गया। उसने वैशाली की ठोड़ी को पकड़ा और उसके लिप्स पर जोर से बाइट किया। वो उसको पनिशमेंट देना चाहता था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई अक्षत को इग्नोर करने की? वैशाली को अचानक से जब अपने लिप्स पर दर्द हुआ तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अक्षत को धक्का देते हुए कहा, दूर रहो। अक्षत ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वैशाली से पूछा, क्या हुआ? तुम किसके बारे में सोच रही हो? खाने के बारे में। वैशाली ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। वो अभी भी किसी गहरी सोच में थी। खाने के बारे में? तुम्हें भूख लगी है क्या? अक्षत के चेहरे पर एक अजीब लुक आ गया। हाँ, बहुत ज्यादा, वैशाली ने कहा। वैशाली ने बात टाल दी क्योंकि वो अभी अक्षत से इस बारे में पूछना नहीं चाहती थी। अक्षत ने जब ये सुना कि वैशाली को भूख लगी है तो उसने कार को स्टार्ट कर दिया। उसकी कार के आगे और पीछे एक एक कार थी जिसमें बॉडीगार्ड्स बैठे थे। जब से अक्षत के ऊपर हमला हुआ था तब से उसके साथ हमेशा ये बॉडीगार्ड्स रहते थे। दूसरी तरफ अभिनव ने जब अपने सामने खड़े आदमी की बात सुनी तो वो हैरान रह गया और जोर से चिल्लाया, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो सब माँ ने करवाया था। अभिनव कपिल की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था। कपिल ने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा लग रहा था। कपिल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। कपिल ने अपनी बात जारी रखी और उसने आगे कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन आपकी माँ ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनका काम नहीं किया तो वो मेरी बच्ची को मार डालेंगी। उन्होंने मुझे वैशाली का एक नकली वीडियो बनाने को कहा और ऐसे ही उन्होंने बॉस के साथ भी किया। उन्होंने मुझे इस काम के लिए इसलिए चुना क्योंकि बॉस सबसे ज्यादा ट्रस्ट मुझ पर ही करते थे, वो मेरे काम पर कभी शक नहीं करते।
कपिल के चेहरे पर पछतावा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अभिनव बड़े ध्यान से कपिल की बातें सुन रहा था। वो धीरे से बोला, माँ इतना गिर सकती है, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अभिनव को अब अपने भाई और वैशाली के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अभिनव ने कपिल से गंभीर होकर कहा, जितना जल्दी हो सके ये शहर छोड़ दो। मैं तो तुम्हारी मजबूरी समझ गया हूँ, लेकिन मेरा भाई कभी किसी की मजबूरी नहीं समझता है। वो तुम्हें खत्म कर देगा अगर उन्हें ये बात पता लगी। कपिल को अक्षत का पता था कि वो शॉर्ट टेम्पर इंसान है। उसने 2 साल पहले उसको इसीलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने वो वीडियो अक्षत को दिखाई थी। अगर अक्षत को ये बात पता चली कि उस वीडियो से छेड़छाड़ करने में भी उसी का ही हाथ है, तो अक्षत उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसको खुद नहीं पता था कि अक्षत उसका क्या हाल करता। उसके पसीने छूट गए थे और वो वहां से जल्दी से निकल गया। कपिल के जाने के बाद अभिनव अपनी चेयर से उठा और उसने गुस्से में बोला, माँ आज आपको जवाब देना ही होगा। थोड़ी देर बाद अभिनव जिंदल मेंशन पहुंचा। उसने जाते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, माँ माँ कहाँ हैं आप? उसके चिल्लाने से वहां सब लोग इकट्ठे हो गए। अभिनव के दादा और दादी भी वहां आ गए। अभिनव की दादी ने पूछा, क्या हुआ अभी तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? माँ कहाँ है? अभिनव ने पूछा। मैं यहाँ हूँ अभी। पर तुझे हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो ना? तभी अभिनव की माँ की आवाज आई। उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तभी उनके दिल में एक ख्याल आया और उन्होंने अभिनव से डरते हुए पूछा, कहीं अक्षत को तो नहीं कुछ हो गया? ये ख्याल आते ही अभिनव की माँ का दिल सहम गया। अभिनव ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ आप कोई टीवी सीरीज क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? और हाँ, आप उसमें विलेन का रोल प्ले करना, क्योंकि आपको वो बहुत सूट करता है। अचानक से अभिनव को इतना बेरुखी से बात करते हुए देखकर उसकी माँ के होश ही उड़ गए। आज तक उनके दोनों बेटों में से किसी ने भी उनके साथ इस तरह से बात नहीं की थी। पहले तो गायत्री को लगा कि अभिनव रोज की ही तरह मजाक कर रहा होगा, लेकिन उसके चेहरे के सख्त एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गई कि कुछ तो बात है जिस वजह से अभिनव परेशान है। अभिनव के दादा दादी भी उसके इस बिहेवियर से काफी हैरान हो गए। क्या होगा आगे, जब सब घर वालों के सामने आएगा अक्षत की माँ का सच, और अभिनव क्या स्टेप लेगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिनव की माँ उसके पास आई और उसके चेहरे पर एक अपना हाथ रखते हुए कहा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। इतने में अभिनव पीछे हो गया, फिर वो गुस्से में बोला, पहले आप ये बताइए कि आपने 2 साल पहले ऐसा क्यों किया? आपने अपने ही बेटे की एक नकली वीडियो बनाई, वो भी इतनी घटिया। और इतना ही नहीं, आपने एक लड़की के साथ भी ऐसा ही किया। अभिनव की बात सुनकर उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दिमाग पर थोड़ा जोर डालने के बाद वो तुरंत समझ गई कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन अभिनव के दादा दादी उसकी बात नहीं समझे। उन्होंने एक साथ कहा, वीडियो? कैसी वीडियो? तुम किस तरह की वीडियो की बात कर रहे हो? अभिनव ने उनकी बात सुनी और कहा, आप इनसे क्यों नहीं पूछ लेते कि किस तरह इन्होंने भाई की लाइफ से एक लड़की को निकालने के लिए एक नकली वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने किसी और की जगह भाई का चेहरा लगवा दिया। और फिर भी ये इतने में नहीं रुकी, इन्होंने उस लड़की के साथ भी ऐसा ही किया। उस लड़की के किसी अनजान लड़के के साथ किस करते हुए वीडियो बनाई इन्होंने। अभिनव की बात सुनकर वो सब लोग हैरान हो गए। अभिनव की माँ ने शर्म के कारण अपना चेहरा नीचे झुका लिया। आज उनके अपने बेटे ने उन्हें सबके सामने शर्मिंदा किया था। अभिनव के दादा दादी ने एक साथ गायत्री से पूछा, ये अभिनव क्या कह रहा है, ये सच है क्या? गायत्री का चेहरा झुका हुआ था और उन्होंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गायत्री से जवाब ना पाकर अभिनव के दादा दादी समझ गए कि अभिनव सच बोल रहा है। अभिनव की माँ की आंखों में अब गुस्सा भर आया था। उन्होंने गुस्से में अभिनव से कहा, वो लड़की हमारी बहू बनने के लायक ही नहीं थी, इसलिए मुझे उसके साथ ऐसा करना पड़ा। ये सुनकर अभिनव हंसने लगा, फिर उसने कहा, लायक? क्या भाई को नहीं जानती, जो चीज उन्हें पसंद आ जाए वो उनकी होती है और वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर ही लेते हैं। अब भी आपने क्या ही कर लिया,
देर से ही सही, पर भाई ने उसी लड़की से शादी कर ली है। शादी? ये शब्द सुनकर वो तीनों हैरानी से अभिनव को देखने लगे। अभिनव के दादा ने गुस्से से कहा, ये सब बेहुदा झूठ बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अभिनव ने जवाब दिया, झूठ? अगर आपको यकीन नहीं होता तो खुद जाकर हमारी पुश्तैनी हवेली में देख सकते हैं। वहाँ भाई एक लड़की के साथ रहते हैं जिससे उन्होंने शादी कर ली है। फिर अभिनव अपनी माँ की तरफ मुड़ा और बोला, अगर भाई को आपकी इस करतूत के बारे में पता चल गया ना, तो आपने कभी सोचा है कि उन पर क्या बीतेगी? अभिनव की बात सुनकर गायत्री जिंदल का चेहरा पीला पड़ गया। अभिनव ने इतना कहा और वहां से निकल गया। अभिनव के जाते ही विक्रांत जिंदल ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उन्होंने गुस्से से एक नौकर को कहा, जल्दी से गाड़ी रेडी करो हवेली जाने के लिए। उसके बाद उन्होंने अक्षत की माँ को घूर कर देखा और अपने कमरे में चले गए। अक्षत की दादी भी उनके पीछे पीछे कमरे में आ गईं। दूसरी तरफ वैशाली और अक्षत जब हवेली पहुंचे तो वैशाली ने बहुत सारा खाना खाया। अक्षत उसको एक बच्चे के जैसे खाना खाते हुए देखकर काफी रिलैक्स लग रहा था। वैशाली को खाना खाने के बाद एप्पल खाने का मन हुआ। उसने एक चाकू उठाकर उसको काटना शुरू कर दिया। एप्पल को काटते वक्त उसका ध्यान कहीं और होने से उसका हाथ कट गया। वैशाली के हाथ से काफी खून बहने लगा। जब एक मेट ने वैशाली का हाथ देखा तो वो चिल्लाने लगी, मैडम ये क्या हुआ है, आपका हाथ कैसे कट गया? अक्षत जो कि हॉल में ही सोफे पर बैठा था, उसने जब ये सुना तो वो जल्दी से खड़ा होकर किचन की तरफ जाने लगा। अक्षत परेशान सा जब किचन में पहुंचा तो एक मेट पहले ही वैशाली के हाथ में पट्टी बांध रही थी। वैशाली के हाथ से खून अभी भी निकल रहा था। अक्षत तुरंत वैशाली के पास गया और उसने उस मेट से फर्स्ट एड बॉक्स ले लिया। उसने मेट से कहा, जल्दी डॉक्टर को फोन करो। मेट ने अक्षत की बात सुनी और वो डॉक्टर को फोन करने चली गई। वैशाली जो कि अक्षत के पट्टी बांधने से हैरान थी, जब उसने डॉक्टर वाली बात सुनी तो उसने जल्दी से कहा, ये बस थोड़ी सी चोट है, डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, अक्षत ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। वैशाली चुप हो गई। थोड़ी देर बाद वैशाली सोफे पर बैठी थी और उसके सामने डॉक्टर था, उसके बगल में अक्षत बैठा हुआ था। डॉक्टर एक इंजेक्शन निकाल कर बैठा था जो एंटीसेप्टिक का था। वैशाली उस इंजेक्शन को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने डरते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है। वैशाली किसी भी कीमत पर वो इंजेक्शन नहीं लगाना चाहती थी। वो इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डरती थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वैशाली इंजेक्शन लगाने को तैयार नहीं हो रही थी। अंत में अक्षत ने परेशान होकर वैशाली का हाथ पकड़ा और डॉक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसका हाथ काट दो। वैशाली अक्षत की बात सुनकर एकदम से चौंक गई, ये मेरा हाथ है, कोई सब्जी नहीं जिसे जब मर्जी काट दो। अक्षत ने उसे घूर कर देखा तो वैशाली घबरा गई और उसने जल्दी से कहा, नहीं मतलब ठीक है, मैं इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर जो कि अक्षत की बात सुनकर सदमे में था, उसने जैसी वैशाली की बात सुनी तो उसने एक चैन की सांस ली और वैशाली को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ा। वैशाली ने घबरा कर जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए वैशाली की बाजू पकड़नी चाही, उससे पहले अक्षत ने उसकी बाजू पकड़ ली और डॉक्टर से सख्त लहजे में कहा, ठीक से लगाना, इसे दर्द नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वैसे भी अक्षत को देखकर थोड़ा डर महसूस कर रहा था। उसने कहा, जी बिल्कुल। वो कई सालों से अक्षत का डॉक्टर था और उसको एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अक्षत उसके सामने आता था उसका डर के कारण बुरा हाल हो जाता था। अक्षत ने घबराई हुई वैशाली को देखा। वैशाली ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो लगातार अपने लिप्स बाइट कर रही थी। अक्षत ने वैशाली को खुद के सीने से चिपका दिया और कहा, हिलना मत वरना ज्यादा दर्द होगा। वैशाली ने कसकर अक्षत की शर्ट को पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड बाद डॉक्टर ने कहा, हो गया। वैशाली ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने आश्चर्य से पूछा, हो गया, लेकिन मुझे तो दर्द ही नहीं हुआ। वैशाली ने अक्षत को एकदम से छोड़ दिया और डॉक्टर को अपनी चमकती हुई आंखों से देखने लगी। उसने कहा, आप तो कमाल हैं डॉक्टर। वैशाली खड़ी हुई और उसने उस डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए। जरूर आपके इन हाथों में ही कोई जादू है।
वैशाली को इस तरह बिहेव करते देख अक्षत हैरान हो गया, लेकिन तब हद हो गई जब वैशाली ने डॉक्टर का हाथ पकड़ा। अक्षत की आंखों में तुरंत गुस्सा उतर आया। डॉक्टर ने जब अक्षत की आंखों में अंगारे देखे तो उसके पसीने छूट गए। इस लड़के का तो पता नहीं, लेकिन अक्षत उसका हाथ जरूर काट लेगा। उसने एकदम से वैशाली से अपने हाथ छुड़ा लिए। अक्षत उस डॉक्टर से काफी जेलस हो रहा था। वो डॉक्टर नम का बड़ा भाई दीपक था। वो करीब 33 साल का था और काफी हैंडसम था। नम और दीपक दोनों अक्षत के लिए काम करते थे। वो दोनों जाने माने डॉक्टर्स और रिसर्चर्स थे। अक्षत ने वैशाली को पीछे से खुद के करीब खींच लिया और उसके सर को फिर से अपने सीने में दफन कर लिया। वैशाली उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अक्षत ने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, अगर तुमने अभी हिलने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें एक और इंजेक्शन लगवा दूंगा। अक्षत की बात सुनकर वैशाली एक जगह ही जम गई और उसने जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं की। अक्षत ने दीपक के हाथों की तरफ देखते हुए कहा, आज के बाद तुम मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अक्षत की बात सुनने के बाद दीपक ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। वो तो इस बात का शुक्रगुजार था कि अक्षत ने उसे बिना किसी नुकसान के छोड़ दिया। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और बिना देरी किए वहां से निकल गया। वैशाली बुद्ध बनी अक्षत में अभी भी चिपकी हुई थी। अक्षत ने खुद को उससे अलग नहीं किया। जब दीपक बाहर निकला तो वो पूरे जिंदल परिवार से टकरा गया। दीपक को वहां देखकर वो सब डर गए। अक्षत की मां ने पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा बेटा ठीक तो है ना? जी अक्षत बिल्कुल ठीक है, वो तो मैं। दीपक रुका, उसको नहीं पता था कि वो लड़की कौन थी और अक्षत की क्या लगती थी। दीपक ने मनी मन सोचा, लगता है वो अक्षत की लवर है। जिस तरह से अक्षत उसके साथ बिहेव कर रहा था उससे तो ऐसा ही लगता है कि वो अक्षत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दीपक ने कुछ सेकंड अपने शब्दों के बारे में सोचा और कहा, वो अंदर अक्षत के साथ, शायद उसकी कोई दोस्त है, मैं उसी को देखने आया था। दीपक ने इतना कहा और वहां से निकल गया। अक्षत के दादा ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और गुस्से से घर के अंदर जाने लगे। जैसे वो तीनों हॉल में पहुंचे वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अक्षत की गले से एक लड़की लिपटी हुई थी। वैशाली ने धीरे से अक्षत से कहा, क्या मैं अब हट जाऊं? अक्षत की नजर तब तक अपने घर वालों पर पड़ चुकी थी। उसने कहा, हाँ अब तुम हट सकती हो। क्या होगा आगे, कैसे करेगी वैशाली अक्षत के घर वालों का सामना? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट।